हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर एनजी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल. मैं नीति जैन. स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो रिजल्ट है NIOS का, वो 30 जुलाई को आने वाला था. फिर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन चली गई है जो सभी के लिए, सभी के रिजल्ट को लेके, असेसमेंट को लेके, वो सच में बहुत अनफेयर है. जो कि चेन्नई में एक बॉय, उसको लेके जब पता चला, उसका ये मुद्दा उठा कि असेसमेंट उसके पेरेंट्स ने देखा कि किस बिहाफ पे असेसमेंट होगा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से है. सिर्फ एक ही बच्चे के साथ नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जिनके साथ ये प्रॉब्लम होगी, असेसमेंट में ये प्रॉब्लम आएगी, तो वो आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि देखो, असेसमेंट अभी तक कैसे था, इंटरनल मार्क्स के बिहाफ पे था, TMA के बिहाफ पे था, एंड प्रैक्टिकल्स के बिहाफ पे था, एंड कुछ बातें ये भी थी कि जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हैं उनके टू बेस्ट सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे, एंड अदर स्टूडेंट्स की असेसमेंट देखी जाएगी. तो ये जो अदर स्टूडेंट की असेसमेंट है ना, इसको लेके एक बहुत बड़ा बवाल मचा है, जिसको लेके आपको देखना होगा कि किस तरीके से अदर स्टूडेंट के असेसमेंट के आप लोगों के असेसमेंट पे असर पड़ेगा. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम्स अक्टूबर 2019 में दिए होंगे, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम वाली बात है. अब आप देखो कैसे इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई है. पिटीशन है एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा जी ने करी है, जिसका हम बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं कि उन्होंने बच्चों के बिहाफ पे ये पिटीशन डाली है. अदरवाइज ये एक पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ अ चेन्नई स्टूडेंट, एक चेन्नई का स्टूडेंट है, मैथ्स और डाटा एंट्री का एग्ज़ाम दिया था अक्टूबर 2019 में. मैथ्स में उसके एग्ज़ाम मार्क्स आए थे 97 एंड डाटा एंट्री में उसके मार्क्स आए थे 93. अब इस अक्टूबर 2019 में उसने एग्ज़ाम दिया था. हैव रजिस्टर्ड फॉर द रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स, लेकिन जो बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स थे उसको उसने मार्च 2020 के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड किया था, एग्जामिनेशन फॉर्म भरी थी. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आप लोगों ने भी ऐसे ही भरा होगा कि 2 एग्ज़ाम अक्टूबर में दिए होंगे, फिर 2-3 एग्ज़ाम जो बचे हुए हैं वो आप इसमें दोगे. तो अब यही था. अब स्टूडेंट्स की असेसमेंट पे जब बात देखी गई, तो ये देखा गया कि बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स हैं, किसी में 97, एक में 93, तो इससे पता चलता है कि बच्चा स्कॉलर है, कोई एवरेज बच्चा नहीं है, वो बच्चा स्कॉलर है. तो उस वो बच्चा डिज़र्व करता है कि उसके सारी एवरेज परसेंटेज 90% बैठे, 95% के आसपास बैठे, क्योंकि 97-93 मार्क्स उसके आ रहे हैं. लेकिन इसमें कुछ NIOS ने कुछ अपनी असेसमेंट में कुछ अलग स्कीम बताई हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो 2019 में जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं या जिनके पुराने हैं, उनको प्रीवियस टू सब्जेक्ट्स तो देखा ही जाएगा, अदरवाइज उनको जो उनकी असेसमेंट होगी, जो उनकी असेसमेंट होगी, वो असेसमेंट उनकी जो बाकी स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास रिकॉर्ड्स के हिसाब से उनकी असेसमेंट की जाएगी. ये असेसमेंट का एक नया मेथड उन्होंने किया है. जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, विल बी असेस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बेस पर उनके मार्क्स दिए जाएंगे. सो ये बहुत अनफेयर है और ये बहुत गलत है कि उस बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस से कैसे काउंट किया जा सकता है. तो ऐसी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो NIOS में इसलिए आते हैं अपनी परसेंटेज को इनहेंस करवाने के लिए, या फिर उनको CBSE से रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि NIOS में प्रैक्टिकल्स होते हैं, TMA होते हैं. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैं देखती हूँ कि जो अपना ईयर ड्रॉप कर देते हैं और NIOS में एडमिशन लेते हैं कि उनके मार्क्स परसेंटेज अच्छी आएगी, तो उसके बाद ऐसा असेसमेंट हो, तो ये तो चीज़ बहुत अनफेयर होती है. अब बाद में जो बेसिकली उन्होंने यही बात कही है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो 95% मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं या परफॉर्म करते हैं, उनके लिए ये बहुत एंग्जाइटी एंड एक लेसर मार्क्स वाली सिचुएशन है. तो ये एक सिचुएशन, बहुत गलत सिचुएशन है, जिसका फाइनल फैसला Friday July 31st को आएगा. अब July 31st को जो फैसला आएगा, अब इससे हम पता लगा सकते हैं, अब हमें अंदाज़ा हो गया है कि रिज़ल्ट हमारा और डिले हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अब हमें पता ही है कि जब 31 जुलाई को तो ये फैसला आएगा, अब फिर रिज़ल्ट डिले हो जाएगा. अब हम देख रहे हैं इग्नू के फॉर्म्स की भी 31 लास्ट डेट है, बाकी कॉलेजेस के भी फॉर्म्स निकल रहे हैं. तो यूनिवर्सिटी को जल्दी से जल्दी कोई इसके लिए फैसला लेना चाहिए और फटाफट बच्चों को बता देना चाहिए उनका रिजल्ट, जिससे NIOS वाले स्टूडेंट के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और वो भी अपने अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स ले सके. क्योंकि बच्चे यहाँ पर अपना साल बचाने आते हैं और वही साल आप लोग उनका ख़राब कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है.
तो स्टूडेंट्स, अब उसी बच्चे की जिसने ये पिटीशन फाइल करी है, उनकी मदर ने कुछ डिमांड करी है जो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है और जो सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ पर है। तो मैं भी जो पिटीशन जिन्होंने फाइल करी है उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ कि आप लोग और बच्चों की भी सुनो, सभी के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ, कम से कम मुझे लगता है कि 60% स्टूडेंट्स के साथ ये सेम प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट्स, उनकी मदर ने ये डिमांड करी है कि जो थ्योरी एग्ज़ाम्स जो आपने कैंसिल करे हैं वो असेस्ड होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। जो भी इंटरनल असेसमेंट था, जो भी प्रीवियस ईयर का असेसमेंट था, उसके बिहाफ पर उसको असेस किया जाए, बाकी अदर स्टूडेंट के रिजल्ट पे उसको असेस ना किया जाए, क्योंकि इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ वेरी एंग्जाइटी एंड वेरी डिप्रेशन वाली सिचुएशन ये क्रिएट हो गई है। बच्चों के लेसर मार्क्स भी इसमें आ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाली गई है, जो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला 31 जुलाई को अब सुनाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो ऋषि मल्होत्रा जी हैं जिन्होंने ये पिटीशन डाली है चेन्नई के स्टूडेंट के बिहाफ पर, तो ये हमें सुन के बहुत अच्छा लगा कि किसी ने इस बात को नोटिस करा और ये बात उठी, ये मुद्दा उठा कि और भी स्टूडेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ, इस बात को आगे तक पहुँचाओ कि सिर्फ एक ही बच्चा नहीं, और भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है कि इस बात का, इस चीज़ का इम्पेक्ट और भी बच्चों के रिजल्ट पे पड़ेगा। तो ये एक बहुत सही सिचुएशन नहीं है। हम देख ही रहे हैं किस तरीके से स्कॉलर चाइल्ड जिसके 97-93% मार्क्स हैं, उसके मार्क्स की बजाय उसको दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स से असेस किया जा रहा है। तो ये तो अनफेयर है, बिल्कुल अनफेयर असेसमेंट है। तो NIOS में भी बिल्कुल फेयर असेसमेंट होना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों को फेयर डीलिंग होनी चाहिए बच्चों के साथ, कि जो जैसे CBSE ने किया, CBSE ने तो ऐसा कुछ नहीं करा कि उस वाले बच्चे को वो ऐसे कर रहे हैं, एंड CBSE ने तो ऐसा कुछ नहीं करा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका इतना अनफेयर असेसमेंट हो, उनके असेसमेंट को दूसरे बच्चों के असेसमेंट से काउंट किया जाए। वहाँ तो इतना अच्छा रिजल्ट किया है, हम देख रहे हैं। मेरा तो मानना ये भी है कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अक्टूबर 2019 में एग्ज़ाम दिए थे, उनका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, या अगर उनके TM में हैं तो उनके साथ भी फेयर असेसमेंट होना चाहिए। जैसे अप्रैल वाले स्टूडेंट्स को TMA के बिहाफ पे प्रमोट किया जा रहा है, उन स्टूडेंट्स को भी TMA के बिहाफ पे ही प्रमोट किया जाए। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी बात को आगे तक पहुंचाओ एंड हमारी वीडियोस के थ्रू अपनी बात को आगे तक पहुंचाओ। बाकी मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको पूरा असेसमेंट का तरीका बताऊंगी। जो भी सून आने वाला जल्दी से जल्दी असेसमेंट का जो भी तरीका होगा वो मैं आपको अपनी वीडियोस में बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स टू वॉच अवर वीडियो।